So, hey, what is up everyone? This is Harshit. Welcome back to a new video. So, भैया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे पास में आ रहे आपका एंट्रेंस टेस्ट हो गया, पूरा प्रोसेस इंटरव्यू वगैरह। काफी लोग बोल रहे हो यार बनाओ वीडियो क्राइस्ट के रिलेटेड, कैसे क्या करना है क्या नहीं। चिंता मत करो, बहुत वीडियो आ रही है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पेपर पैटर्न क्या रहेगा और कैसे आप प्रिपेयर करो, कैसे आप ईच सेक्शन के लिए अपनी स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी प्रिपरेशन की। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद दिस वीडियो। So, मैं अगर बात करूं आपके जितने भी कोर्सेज एक एक करके, तो आपके बीए के जितने भी कोर्सेज हैं आपको दिख रहा होगा साइड पे स्पेशलाइजेशन के साथ जो भी है, उसमें आपके चार सेक्शन रहने वाले हैं। तो मतलब वैसे टोटल पांच है, बट जो जनरल सेक्शन चार है वो इंग्लिश, फिर आपका जनरल नॉलेज, फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर आखिरी आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जर्नलिज्म मीडिया है तो वो इंग्लिश ऑनर्स है तो वो आएगा, लिबरल आर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो, पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक सेक्शन होगा। तो डिवीजन ऐसे, इंग्लिश 40 मार्क्स, आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 20 मार्क्स, आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक जो सेक्शन होगा वो भी आपका 30 मार्क्स, तो आपका टोटल 120 मार्क्स का रहेगा। उसके बीएससी के जितने कोर्सेज की बात करूं तो उसमें आपके टोटल सिक्स सेक्शंस हैं, सिक्स भी नहीं बल्कि सेवन सेक्शंस हैं आपके। सबसे पहले इंग्लिश, फिर जनरल नॉलेज, फिर आपका करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, लास्टली इकोनॉमिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, जो भी आप अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंगली है। इंग्लिश 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज आपका 15 मार्क्स है, करंट अफेयर्स आपका 10 मार्क्स का है, रीजनिंग अगेन 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 15 मार्क्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 15 मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है टोटल 25 मार्क्स, टोटल आपका 120 मार्क्स का है। देन मूविंग फॉरवर्ड, बीकॉम के जितने कोर्सेज है उसकी बात कर लो तो उसमें आपके टोटल सिक्स सेक्शंस है। इंग्लिश आपका 20 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, रीजनिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, सबको 20 मार्क्स का है इसमें, तो टोटल आपका 120 मार्क्स हो गया। इक्वल वेटेज है सारे सेक्शन के लिए, आपको साइड में दिख रहा होगा। फिर आपका बात करूं बीबीए के जितने कोर्सेज है तो उसमें आपके टोटल सिक्स सेक्शन है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फंडामेंटल अकाउंटिंग, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, फंडामेंटल अकाउंटिंग 10 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स एंड लास्टली डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन अगेन 20 मार्क्स, आपका टोटल हो गया 120। फिर ऐसे ही आपका बीएससी साइकोलॉजी भी आपको साइड में दिख रहा होगा, आपका फिर बीएलएलबी, आपका बीबीएलएलबी साइड भी दिख रहा होगा, फिर आपका बीटेक, बीटेक इलेक्ट्रल के लिए दिख रहा होगा एंड आपका बीबीए डिसीजन साइंस एक कोर्स है उसके लिए आपको सारे के दिख रहे होंगे कि आपके सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स के लिए आने वाले, क्या क्या वेटेज है, सब आपको दिख रहा होगा साइड में। इस पीडीएफ की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। इस पीडीएफ के नीचे लिखा हुआ है कि आपके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस भी है, लाइक आप जो पेपर लिखोगे उस सबके इंस्ट्रक्शन भी लिखे हो, तो आप प्लीज वो भी डू चेकआउट कर लेना एक बार। या प्रिपेयर कैसे करना है, देखो कुछ सेक्शन सेम है, ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गया, आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, आपका मैथमेटिक्स काफी में, फिर आपका रीजनिंग है। इसके लिए कैसे क्या प्रिपेयर किया जाए, काफी लोग सोचते हैं समझ नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत। देखो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप पहले ये टॉपिक्स कर लेना, बाकी अगर कुछ टॉपिक बचते हैं तो बाद में भी देख सकते हो, बट ये टॉपिक्स आप पहले ही प्रिपेयर कर लेना। स्टार्टिंग विद मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपका एनालिटिकल रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे आपके, देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ नोटबुक लो, पेंसिल उठाओ या पेन जो भी उठा रहे हो, फिर आपको आईपैड में नोट डाउन करने कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं आप वीडियो देखे जा रहे हो, नहीं भैया अभी सबसे पहले उठा लो कोई भी पेन या जो भी आईपैड वगैरह, उसमें नोट डाउन करो एंड तभी होगा, ठीक है, मजाक लेके मत चलो भाई, सीरियस होकर करोगे तो अभी भी क्रैक हो कर सकते हो, बट अभी भी आप ये सोचोगे नहीं यार अभी तो और भी बहुत टाइम है, वो तो नहीं होगा, फिर टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलॉजिज्म्स, फिर आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कैलेंडर, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डीकोडिंग, क्लॉक, डेटा सफिशिएंसी, ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट एजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजंस, फिर आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और आपका एसर्शन एंड रीजन, ये सब आता है। फिर आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्यूब्स एंड डाइसेस रहेगा, वेन डायग्राम रहेगा, फिगर सीरीज, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी एंड फिगर कंप्लीशन, जितने मेरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। अब मैं इंग्लिश के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं आपके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट एग्जाम 2023 के लिए, तो वो रहेंगे आपका सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑब्वियसली आया, फिर आपका स्पेलिंग्स हो गया, फिर आपका ईडियम्स हो गया, फिर आपका फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स, एसिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, आपका लीगल टर्म्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, जंबल वर्ड सेंटेंसेस हो गए, सब मेन है। एंड इंग्लिश के लिए टू बी ऑनेस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, सारा कॉमन ही आता है सब कुछ एंड जनरल आता है, इंग्लिश तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है, आपको उसमें तो स्कोर आना ही चाहिए, ठीक है। कॉन्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो वो रहेंगे आपका नंबर सिस्टम, आपका एचसीएफ एलसीएम, फिर आपका एवरेजेस एंड परसेंटेजेस, फिर आपका रूट्स इंडाइसेस वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर आपका ज्योमेट्री, फिर आपका लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका पार्टनरशिप, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गए,
फिर आपका प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सारे आपके मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड गाइस आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। डेटा एंड इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो आपका न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स होती है, फिर आपका बार टेबल्स हो गई, बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स हो गया, फिर आपका लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड आपका केसलेट्स वगैरह आते हैं। फिर जीके एंड करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे वो आपका इंडियन इकोनॉमी रहेगी, आपका इंडियन पॉलिटिक्स रहेगा, आपका पब्लिक सेक्टर, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, आपका वर्ल्ड जियोग्राफी, फिर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आपका लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हो गया, फिर आपका अवार्ड्स हो गया, इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड्स, फिर आपके फर्स्ट इन इंडिया कुछ चीजें होती है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे काफी कुछ डिस्कस कर लेकिन अकाउंटिंग भी एक सेक्शन होता है, तो अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग अर्निंग्स, आपका अकाउंटिंग इन्वेंट्री, देन लास्टली अकाउंटिंग साइकिल्स। तो ये जितने सेक्शन हो रहे सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है, वो आपने नोट डाउन कर लिया, और नहीं किया आप भी रिवाइज करो वीडियो जाके नोट डाउन करो, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करना चालू कर दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद टाइम मिलता है तो बाकी सब पे आना, फिर आपका रिवीजन वगैरह रहेगा। कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको क्या बोलूंगा, देखो स्ट्रैटेजी ऐसी रहनी चाहिए आपकी, पहले आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए उसके आप सारे क्वेश्चन वगैरह, या फिर एक बार आप जितने होता जा रहे उतना, देखो सारे क्वेश्चन मत करना, एक टॉपिक के लिमिटेड दो तीन करो, दो तीन टाइप के क्वेश्चन करो बस काफी है, ठीक है। फिर आप एक बार ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद आप देखना जो भी आपको क्वेश्चन या टॉपिक नहीं डिफिकल्ट लग रहा था, टफ लग रहा, हो नहीं रहा था, उसको एक बार अलग से लिख लेना नोटबुक में या कुछ सर्कल वगैरह कर लेना। नेक्स्ट टाइम आपका एक फर्स्ट टाइम जो रिवीजन चालू होगा उसमें आपको सबसे पहले वो उठाने, सबसे पहले वो क्लियर करना है। ऐसे करते करते आपको दो तीन बार अपना रिवीजन कर लेना, सॉर्ट हो जाओगे अपने पेपर के लिए, इजीली हो जाएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा आपका, फास्ट भी रहेगा एंड इफेक्टिव रिवीजन रहेगा। बट मेन चीज कि जो भी नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, उसको नोट डाउन करो या मार्क कर लो एंड फिर वापस उस पे आओ, फिर ऐसी सेकंड साइकिल भी ऐसे घुमानी है आपको। मैंने पर्सनली फॉलो किया था, काफी लोगों को बता रहा हूँ वो भी फॉलो कर रहे हैं, काफी इफेक्टिव वे टू बी ऑनेस्ट गाइस। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास कुछ लिमिटेड टॉपिक्स या क्वेश्चन होने चाहिए जो आपको लगे हाँ ये यही रिवाइज करना है, मतलब ये नहीं है बहुत सब कुछ है, इसलिए एक नोटबुक में जो सबसे टफ यूनिक कुछ लग रहा है वो लिखते जाओ। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हो कि और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया टॉपिक वगैरह जैसे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, नोट डाउन कर लो, लास्ट जैसे उस चीज को रिवाइज करना है, ठीक है, बैठ के। एंड प्रिपरेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। मान लो आप पेपर से पहले एटलीस्ट 5-6 मॉक टेस्ट या प्रायर पास्ट ईयर कुछ भी आपको मिल रहा है लगा ही लो, मैं बोलूंगा गाइस। मेन होता है ये लोग नहीं करते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, काफी लोग पूरा सिलेबस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट नहीं करते, इसलिए उनका मेन पेपर अच्छा नहीं जाता है, क्योंकि जो लोग एक बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको पता चल जाता है क्या पैटर्न है, कितना टाइम देना है, सब कुछ। इसलिए आपका सिलेबस थोड़ा कम भी हो रहा है, मतलब आपका रिविजन नहीं भी हो पा रहा है इतना अच्छे से, लेकिन मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट ये सब आप लगा लो, मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना, एटलीस्ट 5-6 पेपर्स मस्ट है। तो बस गाइज यही कुछ टिप्स थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बताना था, ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज लाइक कर दे, प्लीज चैनल, प्लीज राइटर से अच्छी चीज आती है, कॉलेजेस, कॉलेज प्रिपरेशन, कॉलेज एंट्रेंस वगैरह, कॉलेज ब्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो आपको चैनल एंटरटेनमेंट लेकर एजुकेशन मिलेगी, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी ड्रॉप होता है आप डीएम कर सकते हो, फॉलो करो, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। आपको और डिटेल में पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पर्सनल गाइडेंस सेशन में एनरोल कर सकते हो, कैसे करें डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक मिल जाएगा, फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दो, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड हमारे एक सेशन शेड्यूल करवा देगी। बस चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस चिल, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।